हेलो। हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड, सुप्रभात आपको, अभिनंदन आपका। वार्तालाप के इस दौर में जो हम लगातार डिस्कशन आपके साथ एक प्रकार से कुछ समय से कर रहे हैं, उस डिस्कशन के अंतर्गत आज हमारा जो है थर्ड फेज पर हम वर्क कर रहे हैं। पहला फेज आपको पता ही था कि पहला जो फेज था वो एक प्रकार से गांधी जी का जो पॉलिटिकल, एक प्रकार से जो गुरु कहा जाते थे, जिनको पॉलिटिकल गुरु कहा जाता था, वो जो है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ये मॉडरेट विचारधारा के जो है क्या हुआ करते थे, एक प्रकार से पर्सनैलिटी हुआ करते थे। और मैंने कल आपसे जो है इस बारे में डिस्कशन कर लिया था कि जो थर्ड फेज है, गांधीयन इरा का जो फेज है, ये सबसे लॉन्गेस्ट एक टाइप से फेज आता है। आज हम 2005 की अगर एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ते हैं तो उस पॉलिसी के अंदर हम यही चीज जो है देखने का काम करते हैं कि किस टाइप से एक लंबा युग आता है जहां मॉडरेट हम 1885 से लेकर और कहां तक 1905 तक जो है एक प्रकार से लेते हैं, वहीं आप देख रहे होंगे कि एक्सट्रीमिस्ट जो फेस आता है, यानी कि उग्रवादी जो विचारधारा जो आती है, वो उग्रवादी विचारधारा जो एक्सट्रीमिस्ट फेस है, वो फेस आपका जो है 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेकर और कहाँ तक 1915 तक ही चलता है। यानी कि जो जितना तीव्र जिसकी प्रकृति होगी, 2005 की एजुकेशन पॉलिसी यही तो कहती है हमसे। मैं बार बार उस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कशन क्यों करता हूँ, इस वजह से करता हूँ क्योंकि जो है कौन सी विचारधारा आज हमारे लिए प्रासंगिक रूप में उभर कर आती है, और ये प्रासंगिकता ही जो है क्या होगी, एक प्रकार से जो है हमें दिखलाएगी कि हमें किस युग के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार से जो है जीना पड़ेगा। यही जो है 2005 की एजुकेशन पॉलिसी है, और आपने जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होंगी उसमें 2005 की जो है एजुकेशन पॉलिसी में यही है कि हमें इतिहास को इस वजह से नहीं पढ़ना है कि हमें इतिहास में जीना है, बल्कि इस वजह से हमें इतिहास पढ़ना है कि हम इतिहास के साथ साथ रहकर जो है जी सकें, यानी कि हम सीख सकें। तो आज हम गांधीयन फेज को देखते हैं। तो गांधीयन जो फेज आ रहा है आपका, वो गांधीयन फेज देखिए ना, 1915 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले की क्या होती है, तबीयत खराब होती है पॉलिटिकल गुरु की, और 1915 से लेकर और 19 आप देख रहे हो कि 47 मान लेते हैं, इसमें 47 तक जो है गांधी, यानी कि लगा लीजिए आपकी कितने साल, लगभग जो है कितने 32 ईयर्स की राजनीति रहती है, यानी कि कुछ तो रहा होगा। वहां एक्सट्रीमिस्ट फेज को देखिएगा, उस एक्सट्रीमिस्ट फेज में जो है मात्र कितने साल का उग्रवादी, यानी कि जो तेजी की प्रकृति है वो 10 साल ही रही। मॉडरेट विचारधारा कितनी रही, मात्र जो है 15 या 20 साल रही। लेकिन गांधीयन फिलोसफी देखिए ना कितना जो है ज्यादा जो है एक प्रकार से जो है उभर कर हमारे सामने आ जाया करती है। तो इस चीज को हम जो है सीखते हैं। तो कल हमने जो है गांधी जी का एक फिलॉसफी देखी थी, एक दर्शन देखा था। ये चित्र आपके सामने जो है, इन चित्रों को आपको हमेशा जो है कॉपी उठाकर जो है उसमें नोट जरूर करते रहना, ये नहीं कि आप स्क्रीनशॉट खींच रहे हो। मैंने आपसे एक पंक्ति भी बोली थी और रोज बोलता रहूंगा कि बीज जब मिट्टी में गिरता है तो वृक्ष बनता है, ये मित्र, और स्याही जब जो है कागज पर उतरती है तभी उभरता है चित्र। यानी कि आपको लिखना तो पड़ेगा, ये नहीं कि लेट लेट कर जो है आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से देख रहे हैं। तो कल हमने जो है इसकी चर्चा आपके साथ जो है गांधी जी का जीवन के बारे में हमने जो है तमाम आपसे जो है बेलगांव अधिवेशन वगैरह में जो है हमने आपसे जो है बात की थी। इसी कंडीशन में थोड़ा सा इनकी कुछ बुक्स वगैरह देख लेते हैं। एक चीज माई डियर याद रखना, आप अगर इतिहास को आज पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे एक तीन चीजें बात करना चाहता हूँ। अगर आप जो है एनिशेंट इंडिया को पढ़ रहे हैं, अगर आप जो है एनिशेंट भारत को पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है कालिदास की सारी बुकें पढ़नी होंगी, कालिदास की। इस चीज को याद रखना, यानी कि इतना याद रखना कि जो कुछ भी ना पढ़ कर जाए वो जो है इतना जरूर पढ़ ले कि उसे कालिदास की एनिशेंट, यानी कि जो है जो प्राचीन भारत है उसमें जो है कालिदास को पढ़ना ही पढ़ना है,
चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मालविकाग्नि मित्रम हो, कुछ भी हो, मेघदूतम हो, ऋतु संहारम हो, ये सारी किताबें उसे जब मैं एनिशेंट का डिस्कशन आपके साथ करूंगा तो उस दौरान आपसे जो है निश्चित तौर से बात करूंगा। जब मिडवेल में हम आते हैं, मध्यकालीन भारत में हम आते हैं, तो अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो, खुसरो, अमीर खुसरो की हमें क्या करनी पड़ती है, किताबों को जो है पूरी की पूरी जो है पढ़ना पड़ता है। और तीसरी, जब मॉडर्न इंडिया में हम आ रहे हैं तो यहां गांधी जी को ये देखिएगा, ये देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग। तो सत्य के साथ जो मेरे अनुप्रयोग हैं, जिसमें गांधी जी ने इसको जो है, एक चीज और नोट कीजिए मेरे साथ, इसको जो है 1920 तक ही लिखा है, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इस ऑटोबायोग्राफी को 1920 तक जो है इन्होंने लिखा है। ये मत सोचना कि गांधी जी 1948 में इनकी डेथ हुई थी और इनकी डेथ होने तक इन्होंने नहीं नहीं बल्कि 1920 तक जो है क्या हुआ था, एक प्रकार से जो है गांधी जी का क्या जीवन का जो चरित्र है, जीवन का जो उनका है, वो 1920 तक उन्होंने जो है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ लिखी थी। दूसरा क्वेश्चन इसी में माय डियर आएगा, कौन सा आएगा, ये वाला, ये आएगा कि किस भाषा में लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, किस भाषा में जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। तो भाषा अगर आपको देखो, प्राइम फेसी आपको देखो, तो आपको ये लगेगा ना यार ये तो जो है एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किसकी है, एक प्रकार से इंग्लिश भाषा में, नहीं सर ये जो है गुजराती, नोट कीजिए गुजराती, यही तो खासियत है संघ लोक सेवा आयोग की। यूपीएससी की हम बात क्यों करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की हम बात क्यों करते हैं आपसे, आखिर बात इस वजह से ही की जाती है कि कुछ तो होगा इसके अंदर, यार ये अलग सी चीजें पूछता है, लिख रहा है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, हम भी जो है तुक्का मार के आ जाएंगे धड़ाम से जी की ये तो इंग्लिश में लिखी, नहीं साहब ये गुजराती में लिखी गई है, ये जो है आपकी गुजराती के अंतर्गत जो है क्या हो जाती है, एक प्रकार से जो है लिख दी जाती है। और इस गुजराती भाषा का जो है, अब ये किसने लिखी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, किसने, तो महादेव देसाई, नोट कीजिए महादेव देसाई, इन्होंने जो है इसे किस में लिखा, अंग्रेजी गुजराती से जो है इंग्लिश भाषा में इसका जो है क्या कर दिया था, ट्रांसलेशन एक प्रकार से जो है कर रख दिया था। कितनी बारीकी है, बड़ी घटना की छोटी छोटी बातों को अगर आप समझते हैं तो देन डेफिनेटली आपको जो है क्या मिलेगा, एक ऐसा संसार मिलेगा कि जब आप जो है चमकते हुए सितारे जो है संघ लोक सेवा आयोग के क्या होंगे, बनेंगे। तो सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग, प्रयोग किए गांधी जी ने, हम गांधी जी के बारे में हमेशा बोलते हैं गांधी जी ने ऐसा कोई काम नहीं है जो किया ना हो, हर एक काम को उन्होंने, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि खराब है तो गांधी जी उसको मान लेते थे, नहीं साहब माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ जब आप पढ़ोगे, अभी मत पढ़ना, जब जॉब जॉब आपकी जो है लग जाएगी उसके बाद जरूर आप गांधी जी का दर्शन पढ़ना। गांधी जी ने पहले जो है स्वयं ये देखा कि यार मैं देखूं तो सही कि वास्तव में है या नहीं है। आप बीड़ी जानती हो, जो गरीबों की जो बीड़ी होती है, उस बीड़ी को गांधी जी उनके छोटे छोटे टुकड़ों को पिया करते थे, देखते थे कि क्या क्या ये सही है या गलत है, जब उन्हें पता लगा ना नहीं यार ये तो बहुत ही जो है गलत चीज है, तो उन्होंने इसको जीवन भर के लिए त्याग दिया। गांधी बनना कोई आसान नहीं, नमक नहीं खाते थे गांधी जी, हम देखो दो दिन अगर नमक ना खाएं तो तांडव हो जाता है, शिव का तो है तांडव करने लग जाता है हमारा शरीर। तो गांधी जी जो है 3-4 दिन तक लगातार जो है क्या एक प्रकार से नमक नहीं खाया और धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई और बिना नमक के जो है क्या होने लग गए, जीवन को व्यतीत जो है करने लग गए, ऐसे थे गांधी जी। जब आप सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग पढ़ोगे तब आपको लगेगा यार वास्तव में कुछ तो रहा होगा। दूसरी चीज, दूसरी बुक का नोट कीजिए, हिंद स्वराज, दूसरी जो बुक आएगी वो आएगी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में क्या था, स्वराज की तो हम बात कर रहे हैं 1909, इसे मिटा दे रहा हूं मैं, आप नोट कर सकते हैं इसे 1909 में। ये देखिए मैंने कल आपसे बात की थी,
यहाँ आपसे पूछा जाता है, यूजीसी के नेट में आपसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि हिंद स्वराज उन्होंने किस सन में लिखी, तो 1909, ये भी मत भूलना, क्योंकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग लड़ किसके ले रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं किसके लिए, स्वराज के लिए। ये देखिए, और जब हम लोग स्वराज के लिए लड़ रहे हैं तो गांधी जी जहाज पर जाते हैं और वहीं जो है क्या लिखते हैं, हिंद स्वराज नामक जो है बुक लिखते हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इनकी एक और बुक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इसके बारे में हमने चर्चा की है कल। आगे आइए, द ग्रीन पैम्पलेट, ये वाला पोर्शन, इंडियन ओपिनियन, इसको भी नोट कीजिए, इंडियन ओपिनियन को सबसे पहले न्यूज़पेपर था ये, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया न्यूज़पेपर है ये, यंग इंडिया को भी ध्यान में देखिए, इसको मैं अलग से कलर से दिखा रहा हूं आपको, यंग इंडिया, ये यंग जो इंडिया है, यंग जो इंडिया है, ये यंग इंडिया अगर न्यूज़पेपर आता है, गौर से मेरी बात को सुन लेना, न्यूज़पेपर अगर आता है तो वो न्यूज़पेपर करना किसका, गांधी जी का, गांधी जी का। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग की फिर वही चतुराई, उसने एक जगह दे दिया यंग इंडिया, किसने लिखा समाचार पत्र, किसने लिखा, हमने उसे लर्न कर दिया, अरे समाचार पत्र तो किसने लिखाया, गांधी जी ने लिखा। अगली बार उसने पूछा कि यंग इंडिया नामक बुक किसने लिखी, और हमने धड़ाम से क्या कर दिया, हमने कहा जी किसने, महात्मा गांधी जी ने लिखी। बस यहीं पर जो है चकमा खा गए सर, और जब चकमा खा गए तो फिर क्या था, ये यंग इंडिया बुक जो है गांधी जी की नहीं थी, बल्कि जो है यंग इंडिया नामक जो बुक है वो है किसकी, लाला लाजपत राय की, लाजपत लाजपत। क्या गजब की बात है, क्या है, कितना आनंददायी, संघ लोक सेवा आयोग हमें जो है हमेशा फंसाता रहता है, फंसाता रहता है। उसने कहा ले बेटा तूने यंग इंडिया तो पढ़ दिए, बड़ी फेमस किताब, बड़ी फेमस जो है न्यूज़पेपर है यंग इंडिया, तो जरा उसकी बुक का नाम दे दे, जल्दीबाजी में हम लोग उसे जो है गांधी जी कर कर आ गए। अगर यंग इंडिया बुक आ रही है तो वो लाला लाजपत राय की, ऐसी गंभीरता वाली चर्चाएं आपके साथ जो है बेहद कम मात्रा में ही जो है क्या हो पाएंगी, एक प्रकार से जो है हो पाएंगी, यानी कि बृहद चर्चा आपको जो है इसके अंदर क्या करनी पड़ती है, एक प्रकार से जो है करनी पड़ती है। अगर आप बृहद चर्चा नहीं करेंगे तो फिर जो है समस्याएं लगातार क्या होती रहेंगी, एक प्रकार से जो है पैदा होती रहेगी। शिवम प्रजापति आशीष विश्व एस्पिरेंट एंड सभी का अभिनंदन साहब, सभी का अभिनंदन है, आप सुनते रहिए बस विचारों को, आप आगे बढ़ाते रहिए। अब देखिएगा नेक्स्ट जो है हरिजन न्यूज़पेपर, ये हरिजन भी क्या है, न्यूज़पेपर है, जो गांधी जी का जो है एक प्रकार से एक संवाद है, मीडिया है। भाई देखो दो तरीके से ही सुधर सकता है समाज, या तो कानून को मजबूत बना दो, या जागृति पैदा करने के लिए मीडिया को मजबूत बना दो, दो के अलावा है ही नहीं कुछ। आपने सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट पढ़ा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को आपने पढ़ा, केशव चंद्र सेन को आपने पढ़ा, राजा राम मोहन राय को आपने पढ़ा, महादेव गोविंद रानाडे को आपने पढ़ा, रमाभाई रानाडे को आपने पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा आपने, बहुत कुछ आपने पढ़ा है। हर एक चीज क्या होती थी, या तो समाचार पत्रों में जो है क्या दिया जाता है, दिया जाता है कि आज ऐसा होने वाला है, आज ये घटना होगी, और जब ये घटना होगी तो हम जागृति की तरफ आते हैं, और जैसे ही जो है क्या हो जाती है, घटनाएं घटित हो जाती हैं, उसके पश्चात क्या हो जाता है, हम लोग जागृत हो जाते हैं, हाँ यार, और या फिर जो है कानून बनेंगे, कानून मजबूत बनेंगे, तो हमें जो है डर पैदा हो,
दो चीजों से ही जागृति आएगी और कुछ नहीं था। इसीलिए तो अलग अलग न्यूज़पेपर चलाए जाते थे। आज आप जो है मीडिया करते हैं, कोई बात नहीं, मीडिया हो सकता है आज का मीडिया थोड़ा बहुत जो है गड़बड़ी कर रहा होगा कहीं पर, मानते हम इस चीज को, कुछ कमियां भी आती हैं, लेकिन फिर भी सूचना तो हमें मिल जाती है ना कि आज प्रधानमंत्री इस बारे में बात करेंगे। कोरोना का जो विस्तार हुआ, कोरोना में जो जागृति पैदा हुई, वो कोरोना में जो जागृति, जो समाचार आए, तभी तो हमें पता लगा अरे यार कोरोना इतना खतरनाक है, नहीं तो हमें क्या सपना तो होना नहीं था कि कोरोना आ गया जी। तो ये चीजें जो है समाचार पत्रों की एक अहम भूमिका जो है क्या होती है, इसके अंदर जो है एक प्रकार से जो है रखी जाती है। अब चलते हैं युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में। इतना मैंने आपके सामने मोटा मोटा फिगर जो है खींचा था, आ जाइए सर। अब चलते हैं युद्ध के क्षेत्र में, यहां से आपका जो है अब हिसाब किताब जो है अलग होगा। ये मैं चित्र आपके सामने बाद में रखता रखूंगा, ये देखिएगा। पहले चलते हैं ऊपर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के ऊपर, या तो गांधी जी है, आ जाइए सर ऊपर की तरफ चलते हैं, कोई समस्या नहीं है हमारे पास। हमें मैं पहले आपसे कुछ दृश्य दिखा दूं, आ जाइए। पहले चंपारण सत्याग्रह की दृश्यों को, दृश्य नहीं पहले समझ लेते हैं चंपारण। अब देखिएगा जो चंपारण जो सत्याग्रह है, तीन बड़े इंपॉर्टेंट सत्याग्रह जो है किसके द्वारा होते हैं, एक प्रकार से जो है गांधी जी के द्वारा जो है सत्याग्रह जो है होते हैं। 1917 का जो सत्याग्रह है सबसे पहले, अब आप जो है तैयारी के मूड में, मैंने गांधी जी का दर्शन आपके सामने रखा, मैंने गांधी जी के सिद्धांत आपके सामने रखे, मैंने गांधी जी का जीवन आपके सामने रखा, मैंने गांधी जी का फ्यूचर आपके सामने रखा कि गांधी मर सकते हैं किंतु जो है गांधीवाद इस धरती से जो है कभी जो है नहीं मर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत जो है अब मैं गांधी जी के सत्याग्रह आपके सामने रख रहा हूं। हमने जो है पिछले टॉपिक को नजर में अगर डालें, अगर उस पर हम जो है दृष्टि डालें पिछले टॉपिक में, तो हमने जो है क्या कर दिया था, एक प्रकार से जो है क्या साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। आपको भी ध्यान में रखना है, जब भी सत्याग्रह है जल्दीबाजी मत कर देना बस। अगर सत्याग्रह पूछ रहे हैं कि गांधी जी ने कहां सबसे पहले उपयोग करा, तो इसे करना साउथ अफ्रीका में। और 1915 में, 1915 में कौन आए, भारत आए, कौन, गांधी जी, और चल पड़े कहां की तरफ, चंपारण। चंपा कहां पड़ता है बाबूजी, बिहार में, चंपारण चल पड़ते। अब क्वेश्चनों की बारीकियों को देखना, क्या है चंपारण में, पहले घटनाओं को देख। प्रत्युत समुत्पात हमेशा याद रखना कि हर घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। मित्र आप सोते हो तो क्यों सोते हो, आप जागते हो तो क्यों जागते हो, आप खाते हो तो क्यों खाते हो, आप जो है सुखी हो तो क्यों हो, आप दुखी हो तो क्यों हो, हर एक घटना के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो सबसे पहले कारण, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं चंपारण आपके सामने जो है वो रख रहा हूं, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आपको पढ़ना किस तरीके से जी, इतिहास को विज्ञान की दृष्टि से पढ़िएगा ना। सबसे पहले तो क्यों पैदा कीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप जरूर पैदा करते हो कि क्यों ऐसा हुआ जी, तो क्या इतिहास को जो है विज्ञान के चश्मे को लगाकर नहीं देख सकते क्या। मैं तो तरीका बताना चाह रहा हूं आपको। तो चंपारण में क्या था ऐसा कि जो है गांधी जी को जो है पहला सत्याग्रह भारत में करना पड़ा, पहला सत्याग्रह। अब देखो पहला जो सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह बिहार में, दरअसल में क्वेश्चन आता है, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। चंपारण में क्या था, सपोज कीजिए मेरे पास ये खेत है, ये देखिए गौर से मेरी बात को समझना, मेरे पास क्या है, एक खेत है, और इस खेत में, सर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, चलिए
ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। ऐसी कंडीशन में अब मेरे पास क्या है, चंपारण में क्या हो रहा है, मेरे पे खेत है। अब खेत में होता क्या था कि हमारा एक, जैसे बोलते हैं कि बॉन्ड, अनुबंध जिसे बोल सकते हो आप, एक बॉन्ड गवर्नमेंट के साथ था बना हुआ। नहीं होता जैसे कपड़े की मिल का बॉन्ड है कि साहब आप, मैं आपको इतना रुपए दूंगा तो आप जो है इतने साल तक जो है मुझे क्या करेंगे, कपड़ा वगैरह जो है क्या करेंगे, एक प्रकार से जो है भेजेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो है क्या होता है कि जो इंडिगो होती है, इंडिगो यानी कि नील, गौर से देखना, कारण बता रहा हूं मैं, फिर समस्या का समाधान करें। नील की जो खेती होती है, यह रखा गया किसानों के साथ कि आपको जो है 3/20 पार्ट पर, यह देखिए बस इसको याद रखना, 3/20, इसे बोलते तीन कठिया सिस्टम, तीन कठिया पद्धति, यानी कि तीन कठिया, कठिया सिस्टम, कि तीन कठिया में 3/20 भाग पर आपको क्या करना है, नील की खेती पैदा करनी है। नील समझते हैं ना आप, ये बोल्ड दिख रहा है जैसे आपको नील। अभी नील के अंदर क्या था ऐसा, दरअसल में इंग्लैंड यूरोप के अंदर अभी जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था। मेरी एक एक बात को गौर से सुनना, मैं आपके सामने बड़ी घटना कर रहा हूं, आपसे यही बोल रहा हूं कि बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, वही क्वेश्चन आपके पास आएंगे। डीप पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ जो है पढ़े एक तरफ से और दूसरे तरफ तक पढ़े, नहीं, बल्कि जो बड़ी घटनाएं होती हैं उनकी बारीकियों को आप समझे। नील क्या होता था हमारे पास, पहले क्या था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुई थी, औद्योगिक, जिसे क्रांति बोलते हैं, औद्योगिक, औद्योगिक क्रांति, क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर नहीं था। तो होता क्या था, हमारे पास एक व्हाइट कपड़ा होता था, नहीं होता था, देखो व्हाइट क्लॉथ होता था, पूछना अपने मम्मी पापा दादा दादी जो भी होंगे, शिवम यादव जय हिंद जी, उनसे पूछना कि व्हाइट कपड़ा होता था। अब आज के दौर में देखो, आज जियो 2005 को, आज जीना, आज आप घर में होते होंगे, लेकिन नील, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नील नहीं होगी आपके यहां, लेकिन देखना ना बहुत कम मात्रा में नील होगी। अगर आप सहमत हैं तो जरूर अपनी सहमति को प्रकट करना सीखिए। आपको सहमति के साथ मेरा सहमत होना पड़ेगा। आज आपके यहां नील इतनी सी होगी, भाई मेरे घर में तो है, मेरे घर में तो इतनी सी नील है, आपके घर में भी डेफिनेटली इतनी सी नील होगी कि हाँ कोई रजाई का कवर हो गया, कोई सफेद कपड़ा हो गया, कोई इनर वगैरह हो गई, तो उसमें आप जो है क्या कपड़े में जो है नील डालते हो, नील से जो है उसको क्या एक प्रकार से जो है कलरफुल जो है बनाकर रख देते हो। लेकिन किसी जमाने लाल पीले नीले कपड़े हुआ ही नहीं करते थे। अब क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति जब किसमें होने लग गई, ब्रिटेन के अंतर्गत जब औद्योगिक क्रांति होने लग गई, तो माई डियर उसमें हुआ क्या, यही चीज तो हुई कि वहां लाल नीले पीले कलर के कपड़े आ गए। देखो अपने बदन को देखो, दो मिनट के लिए बैठे होंगे, मैंने तो खैर नीला पहन रखा है, पता नहीं क्या सौभाग्य था, बोर्ड भी नीला है, मैं भी नीला हूं, और नीला ही आसमान है जिसकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, उस नीले आसमान वाली की कृपा ही हमारे ऊपर बरसती चली जाती है। तो फिलहाल मुझे छोड़िए, अपने इस समय आपने कपड़े पहन रखे होंगे, वो अलग अलग कलर के होंगे, तो उसमें आप नील नहीं मिलाते होंगे मित्र, आप उसमें नील नहीं मिलाते हो, नील हमेशा सफेद कपड़े के लिए की जाती थी। अब जो है आपके पास जो है रेड ऑरेंज कलर के, ग्रीन कलर के या अन्य टाइप के कलर के जो है कपड़े आने लग गए, तो नील कौन लेगा भाई, यानी कि नील का व्यापार घट चुका है। और यहां अनुबंध किया गया कि आपको जो है 3/20 पार्ट पर क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करनी पड़ेगी। अब अगर इस बॉन्ड को रोकना है, इस बॉन्ड को समाप्त, किसान ने सोचा यार मैं 3/20 भाग पर मैं नील को क्या करूं, और नील के रेट कौन करता था, तय गवर्नमेंट करती थी, नील के रेट गवर्नमेंट तय करती थी। अब गवर्नमेंट क्या बोली, गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, नील, नील जो 1000 रुपए किलो जो नील बिकती थी सपोज कीजिए, वो कितने की बिकने लग गई, लेने को कोई तैयार नहीं रहा तो 100 रुपए किलो बिकने लग गई, केजी बिकने लग गई।
और जब 100 रुपए केजी बिकने लग गई तो किसान बोलेगा यार मैं इससे बढ़िया तो मैं दाल को पैदा कर देता, मैं चावल पैदा कर देता, मैं राजमा पैदा कर देता, मैं कुछ और खेती कपास की खेती को पैदा कर लेता, मैं नील को क्यों करूं पैदा। लेकिन अनुबंध हो रखा है, बॉन्ड हो रखा है सरकार की 3/20 पर, तुम क्या करोगे? नील की खेती करोगे ही करोगे। ये समस्या थी। अब इस अनुबंध को रद्द करना है, इस बॉन्ड को रद्द करना है, तो सरकार के जो कर्मचारी थे, जो ऑफिसर लोग थे, वो क्या मांग रहे थे? पैसा मांग रहे थे। ये देखिए कि भाई इतना लाएगा तो तेरी फाइल बंद कर देंगे, नहीं लाएगा तो तेरी फाइल बंद नहीं करेंगे। जानते ही हो आप, अनुबंध रद्द कराना होगा तो फाइलों को बंद छेड़ाखानी होगी। भ्रष्टाचार तो अंग्रेज लोग करते ही थे। उन्होंने कहा अच्छा जी तेरा 3/20 का अगर लाइसेंस को रद्द करना है या उस बॉन्ड को रद्द करना है कि तुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? 10,000 रुपये देना पड़ेगा, तब जाकर तो है हम तेरी फाइल को बंद कर देंगे। अब एक पीजेंट एक किसान कहां से लाएगा बाबू? यार वो सोचने लग गया कि मैं कहां से लाऊंगा 10,000 रुपये इसे रद्द कराने, क्योंकि मुझे तो खेती बाड़ी करनी है ना, मैं कहां से लाऊंगा इसको पैदा करने के लिए, क्या करूं? कैसी समस्या आ गई? ऐसी समस्या ही चंपारण में थी। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब समस्या जब डायग्नोज हो जाती है मेरे मित्र, जब कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो उसका समाधान आसान हो जाता है। तो समस्या ये वाली जो है पैदा हुई, और चल पड़े कौन? गांधी जी। कहां की तरफ? चंपारण की तरफ, क्योंकि गांधी जी की फेम बड़ी होती। थोड़ा सा इसको हल्का सा जो है नोट कर लीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा जल पी लेते हैं तब तक, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। नोट कर लीजिए, चलिए सर, वेरी गुड। अब देखो, अब चल पड़े समस्या, आप समझ गए तीन गठिया पद्धति, इसको भी ध्यान में रखना। 3/20 कभी यार जैसे हम ज्यादा पढ़ लेते हैं तो 3/10 आ जाता है, कभी 3/20 आ जाता है, तो यहाँ 3/20 को ही तीन गठिया पद्धति के नाम से जो है जाना जाता है। मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं क्योंकि हमें जाना है चंपारण, चंपारण चलते हैं सर, चलिए चंपारण की तरफ मूवमेंट करते हैं। अब देखो समस्या हो गई 3/20 की, कि किसानों का जो है जो काम हो रहा था वो गड़बड़ी की स्थिति में जो है आ रहा था। यानी कि इंडिगो कर देता हूं मैं यहां पर, इंडिगो। अब शुरुआत हो गई सर, अब होगी संघ लोक सेवा आयोग की शुरुआत। अब जो है उनसे मिलने जाते हैं, गांधी जी से मिलने कौन जाते हैं? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल किससे मिलते हैं? गांधी जी से। ये देखिए सर, गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी के बारे में सुना गया था, अभी तक जांचा नहीं गया था। साउथ अफ्रीका में क्या बोला था? पहली लाइन में जिम्मेदार आदमी है, पहली लाइन में यही तो बोला था कि सत्याग्रह का अगर कहीं गांधी जी ने प्रयोग किया है तो वो कहां किया है? साउथ अफ्रीका में किया है। और कामयाब सत्याग्रह किसका हुआ? गांधी जी का हुआ। अब चर्चा चली, धूप जब निकलती है तो वो धूप कहां से कहां पहुंच जाती, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उसकी किरणें कहां पहुंचती होंगी उस धूप की। तो किरणें चली बढ़दर, चली बढ़दर, चली बढ़दर, और पहुंच गई कहां? भारत की तरफ। और चंपारण में सुना गया यार गांधी जी तो सत्याग्रह किए हैं, क्या है, पुजारी हैं। और सत्याग्रह का मतलब समझ गए ना, कुछ नए बच्चे हमें दिख रहे होंगे, सत्याग्रह का मतलब है आप साधक हैं, आपको पवित्र होना चाहिए, आप साध्य हैं, आप जो है साधन आपके पवित्र होना चाहिए, और आपका एम साध्य आपका हमेशा जो है पवित्र होना चाहिए। साधक, साधना और साध्य, इन तीनों की जो है शुद्धि, इन तीनों की पवित्रता का नाम ही सत्याग्रह है। और शुरू हो गया क्या? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण।
अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार, बच्चे से पूछे जी सत्याग्रह क्या होता है, जी सत्य के लिए जो आग्रह होता है। अरे नहीं यार छोड़ो ना वो इतिहास पढ़ने थोड़ी नहीं आए हैं आप, वो इतिहास पढ़ने में, ये है सत्याग्रह। आप पवित्र, आपके साधन रिसोर्सेस आपके जो है पवित्र और एम आपका पवित्र, तो आप जो है क्या है सत्याग्रही है। अब जब जब सत्याग्रह आएगा तब तब आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि वास्तव में जो है यार सत्याग्रह होता क्या है। अब क्वेश्चन मिल गया कि राजकुमार शुक्ल ने सुना था गांधी जी सत्याग्रही हैं और गांधी जी से मुलाकात करते हैं, क्वेश्चन आता है किसके आमंत्रण पर, तो आमंत्रण देते हैं कौन, राजकुमार शुक्ल। अरे यहीं तक नहीं टिकता है यूपीएससी, उसने कहा अच्छा बेटा तू तो बहुत तेज हो गया, तो बोलते हैं कि जी अच्छा तुम एक बात बताओ कि गांधी जी से जो है राजकुमार शुक्ल कहां मिले थे, माय फ्रेंड तू कहां मिले थे, लखनऊ में। ये देखिए सर कितनी बारीकियों को कितना मजेदार चित्रण रहता होगा, संघ लोक सेवा आयोग का कैसा मजेदार चित्रण रहता होगा कि एक बार उसने ये पूछा, दूसरी बार उसने ये पूछा, तीसरी बार उसने ये पूछा, चौथी बार उसने ये पूछा, और पूरा आपका जो है समय आपने दिया और पूरा कंसेप्ट क्या हो गया, तैयार होकर आपके पास आ गया। यानी कि गहने जब आप कई पहनेंगे, कई गहनों को आप धारण करेंगे, तभी सुंदरता आपकी जो है और निखरेगी। अगर एक ही गहना होगा तो उतना सुंदर नहीं होगा, बल्कि जैसे दुल्हन होती है, ब्राइड होती है, तो जब विभिन्न प्रकार के गहनों को धारण करती है तो निश्चित तौर से क्या हो जाता है, एक प्रकार से जो है बढ़िया चीजें जो है इसके अंदर आ जाया करती। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कहां मिलते हैं, लखनऊ मिलते हैं, और तमाम लोग, अभी मैं आपको जो है पीपीटी के अंदर बताऊंगा, तमाम लोग उनके साथ चलते हैं, राजेंद्र प्रसाद चलते हैं, नरहरि पारीख चलते हैं, महजर उल हक चलते हैं, जेबी कृपलानी जैसे लोग जो है किनके साथ चलते हैं, गांधी जी के साथ चलते हैं, और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है माय डियर। और किसानों का जो है जो 25% जो अवैध वसूली थी उसे वापस क्या कर दिया जाता है, एक प्रकार से जो है कर दिया जाता है। यानी कि चंपारण कामयाब रहा, नरहरि पारेख वगैरह, जेबी कृपलानी, महजरुल हक, महादेव देसाई, ये सारे लोग कहां जाते हैं, चंपारण में गांधी जी के साथ जाते हैं। और तब एक क्वेश्चन और आता है कि किसने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा था, ये देखिए महात्मा, तो कौन थे साहब, रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने महात्मा की उपाधि किसको दे दी थी, गांधी जी को दे दी थी। और गांधी जी ने भी जो है किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दे दी थी, गुरुदेव की, गुरु देव की जो है उपाधि जो है दे दी थी। और चंपारण सत्याग्रह क्या रहा डियर, एक प्रकार से जो है कामयाबी के दौर में जो है उतर पड़ा और गांधी जी का जो है भूमिका अदा हो गई। और यही गांधी जी थे, कहां गए, चंपारण में गए, किसके बीच गए, किसानों के बीच गए, आम आदमी के बीच गए, जैसे तिलक जाया करते थे आम लोगों को, भाषणबाजी नहीं की बल्कि गए हैं। अभी चित्र देखते हैं इनके, ये गए हैं, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर चित्रों के माध्यम से आपको बता दें कि देखिए कैसे गांधी जी, आपकी समझ में आ चुका होगा 25% जो है वापसी हुआ और चंपारण सत्याग्रह क्या हो गया, एक प्रकार से पूरी की पूरी तरह जो है क्या एक दिव्य रूप में, एक चमकते हुए सितारे के रूप में गांधी जी का पहला आंदोलन भारत की धरती पर क्या रहा, सफल जो है रहा। ये देखिए ये गांधी जी के चित्र आपको दिख रहे हैं, आम लोगों के बीच हैं गांधी जी, देखिए ना। आज के लीडर होते, आज के व्यक्तित्व होते तो वो क्या करते, अपने को मंच पे होते, आप जा सकते हो कभी किसी लीडर को ऐसे मिलने, मतलब ही नहीं चुनाव के अलावा आप चले जाओ। और तिलक भी ऐसे ही थे, बाल गंगाधर तिलक थे वो उग्रवादी तिलक, लेकिन मैंने कहा था ना कि गांधी जी को फॉलोअर क्यों बोला जाता है, गांधी जी को किसका फॉलोअर बोला जाता है, तो गांधी जी को जो है तिलक का फॉलोअर बोला जाता है। क्योंकि ये देखिए क्या आम लोगों के बीच एक व्यक्तित्व यहां पर चंपारण के दौरान खड़े हो रखे, और चित्रों ये देखिए, ये गांधी जी की भव्यता है, देखिए कैसे भव्य दृश्य है, इन दृश्यों को अपने
सबकॉन्शियस माइंड में जो है डाल कर रखिए मित्र, फिर आपको जो है आनंद आएगा कि वास्तव में यार ये देखिए, ये देखिए गांधी जी चल पड़े जिधर दो डग चल पड़े कोटि पग उसी तरफ, ये देखिए सब जा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद दिख रहे होंगे आपको, ये वाले हैं राजेंद्र प्रसाद, ये वाले पोर्शन में, ये देखिए आम माता जी से मिल रही है, आम लोगों से जो है कौन, ये सारे चंपारण के दृश्य है मेरे मित्र। मुझे मत देखना लेकिन इन दृश्यों को जरूर देखना, ये चित्र हमें जो है हमेशा याद दिलाते रहेंगे। ये देखिए ये गांधी जी का जीवन, क्या ये दृश्य झूठ बोल रहे हैं, क्या ये दृश्य झूठ बोला करते हैं? मुझे तो नहीं लगता झूठ बोला करते। कब के रह गए? 1948 के रह गए, आज कितना हो गया? 2022-23 हो गया। दृश्य चमक रहे हैं, साक्षात उदाहरण दे रहे हैं। ये देखिए साहब महात्मा गांधी के चंपारण के रूप में भी जो है उनके लिए टिकट जो है भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया, दिख रहा होगा आपको टिकट, ये वाला टिकट दिख रहा होगा। देखो चंपारण महात्मा का उदय यहां पर जो है लिखा गया, ये देखिए। और महात्मा टाइटल किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। ये देखिए ये गांधी जी के चित्र हैं, ये देखिए पूरे टिकट वगैरह जो है उनके साथ बिल्कुल एक उसमें है। चंपारण के दृश्य हमने आपके लिए लाए हैं, ये देखिए ये चंपारण के जो है अच्छे अच्छे दृश्य आपको दिख रहे हैं, इनको नोट करना, इन दृश्यों को देखना, कभी याद आएंगे आपको ये दृश्य। और यहीं पर जो है इसकी पीपीटी को भी देख लेते हैं, फिर क्लास को देखेंगे। ये देखिए गांधी जी बिकेम फेमस इन साउथ अफ्रीका, हमने वही चीज आपसे कही थी कि गांधी जी जो है क्या हो गए हैं साउथ अफ्रीका में जो है फेमस हो चुके थे। ये देखिए इनको पढ़िएगा जरूर, गांधी जी देखो फेमस हुए साउथ अफ्रीका में, ये देखो एंड देयर ही गॉट द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। 1915 में जो है गांधी जी केम टू इंडिया, भारत आ चुके थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था जिसमें गांधी जी ने जो है क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था और अपील की थी भारतीयों से कि मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन कीजिए, आर्मी को ज्वाइन कीजिए, इसीलिए नोन एज रिक्रूटमेंट वर्क, रिक्रूटमेंट सार्जेंट भी उन्हें कहा जाता है। और उसी के बाद उन्हें जो है केसरी हिंद का भी जो है क्या दिया गया, टाइटल दिया गया। हालांकि तिलक ने भी जो है क्या कर दिया था, ब्रिटिश जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है क्या किया था, कॉपरेशन का जो है बात वहां पर जो है उनके द्वारा एक प्रकार से जो है कर दी गई थी। आगे देखो ये देखिए फर्स्ट टाइम गांधी जी केम टू लाइट इन ड्यूरिंग 1718, यही मैं चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहा हूं। ये देखिए चंपारण में कल जो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा मूवमेंट को जो है चर्चा करेंगे। ये देखिए आज चंपारण 1917 का हमने बात की है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। ये देखो चंपारण गए ऑन द इनविटेशन ऑफ द राजकुमार शुक्ल, जो हमने आपसे बात की थी राजकुमार शुक्ल के अनुशंसा पर जो है वो कहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। ये तीन कठिया जो है सिस्टम के अगेंस्ट, ये मैंने आपसे बात कर ली, तीन कठिया सिस्टम, ये देखिए तीन कठिया, ये देखो 20 कठिया, तीन कठिया सिस्टम एंडेड। एंड इन 1918-19 ही लॉन्च्ड अ मूवमेंट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन द फेवर ऑफ फार्मर्स। नेक्स्ट फिर हम जो है किसकी तरफ निकलेंगे, एक प्रकार से जो है खेड़ा की तरफ जो है क्या, अहमदाबाद और खेड़ा की तरफ जो है हम क्या करेंगे मूवमेंट जो है इसके साथ यहाँ पर जो है करते रहेंगे। तो माय डियर आज जो है बड़ी घटना चंपारण का पहला सत्याग्रह मैंने आपके सामने जो है डिस्कशन किया। आशा है कि आप लगातार इस क्षेत्र में जो है अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते रहेंगे, विचार आपके मन में उगने चाहिए, जब विचार आपके मन में उगेंगे तो आनंद ही कुछ और होगा। रिकॉर्डिंग में उतना मजा नहीं होता है मित्र जितना लाइव होता है, तभी तो आप क्रिकेट मैच देखने बड़े बड़े विदेशों में लोग जाया करते हैं, वरना रिकॉर्डिंग तो वहां पर भी कल परसों देख लेंगे, क्या दिक्कत है मैच को। लेकिन जो घटित हो गया कल का पता नहीं है,
कल इज नेवर कम, कल कभी नहीं आता है। अच्छे कार्य को जितना जल्दी हो सके, सफलता का एक मूल मंत्र भी होता है अच्छा वर्क, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है कर देना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं रहता है, कल क्या हो जाए कुछ नहीं हो सकता। तो माय डियर फ्रेंड, इस चंपारण सत्याग्रह पर मंथन करना और गांधी जी को देखना कि गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह जो है क्या किया था, एक प्रकार से जो है अपनाया था, और उसी के साथ साथ जो है गांधी जी एक मरुभूमि जिसे आप बोल सकते हो, जो हिंदुस्तान अंग्रेजों का एक गुलामी की मरुभूमि बन चुका था, उसमें जो है उसको सिंचित किया, इरिगेट किया उसे, और तब जाकर वहां पर धीरे 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 जो है फूल जो है अंकुरित हुए, और अंकुरित फूलों का बगीचा जो है 1947 में हमारे पास जो है लहराया। तो हमारा टारगेट 1947 माय डियर होना चाहिए। तो आज की क्लास में जो है इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, आल्टा वगैरह और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में चर्चा आप जो है हमारे साथ निश्चित तौर से करेंगे। तो फिलहाल क्लास को यहीं तक जो है रखते हैं, कल इस टॉपिक को कल या नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वहाँ पर जो है चर्चा करेंगे, लेकिन मंथन जरूर आप जो है कीजिएगा। कुछ कमी लगती है, बेस लगता है, आपको बोल देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट बोलोगे तो मज़ा आएगा, और मन ही मन में कुरुदते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो संवाद होंगे, चर्चा होंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे क्या करूँगा सीखूँगा, और यही चर्चा का जो है उद्देश्य होता है। इसीलिए जो है हम वार्तालाप की बात करते हैं, पढ़ाने की मैंने कभी बात नहीं की, मैं स्वयं विद्यार्थी हूँ आपके साथ, पढ़ाने की मैंने बात कभी नहीं की। हम लोग जो है डिस्कशन को करते रहेंगे, जब तक जान है डिस्कशन करते रहेंगे, यही परंपराएं हमें पहले से मिली हैं, और आगे भी यही परंपराएं हमें जो है आने वाली पीढ़ी को क्या करनी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी। तो माय डियर इतना ही इसको जो है रखते हैं, चलिए ओके माय डियर, ओके डियर, आपका दिन मंगलमय हो।